चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें हम सीखेंगे गूगल फॉर्म से किस तरह से प्रॉपर फॉर्म बना के लीड जनरेशन कर सकते हैं। जैसे कोई कोई फॉर्म में हम जो बेसिक लेवल में है, बिगिनर्स में है, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में वो लोग कस्टमाइज नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग गूगल फॉर्म से ड्रॉप एंड ड्रैग करके आसानी से कैसे फॉर्म बना करके वो लोग वर्डप्रेस वेबसाइट में कोडिंग डाल के आसानी से कोड मतलब वो कोड लेके डालने से इंस्टेंट वो फॉर्म वेबसाइट में आ जाएगा, या तो वो फॉर्म लिंक मतलब बटन करके उसको भी काम करा सकते हैं, ड्रॉप एंड ड्रैग करके सिंपली एक फॉर्म बना सकते हैं। जो लोग ट्रैवल एजेंट है वो लोग के लिए टूर ट्रैवल्स रिगार्डिंग किस तरह से फॉर्म बनाते हैं वो लोग भी देख सकते हैं, वो लोग के लिए हेल्प होंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे और इधर पे सर्च करेंगे गूगल फॉर्म करके। इसको ओपन कर लेंगे। फिर इधर पे गो टू फर्स्ट गूगल फॉर्म। जीमेल लॉगिन अगर नहीं होता है तो जीमेल पहले से लॉगिन करना होगा, या तो उधर पे आपको लॉगिन ऑप्शन आएगा, आपको लॉगिन करना होगा। फिर जाएंगे हम लोग ब्लैंक में, इधर पे फॉर्म में फॉर्म के नाम देना होता है। जो लोग ट्रैवल एजेंट है वो लोगों के लिए किस तरह से फॉर्म बेसिक लेवल पे जो लगता है, तो वो मैंने इधर से बना के रखा है, तो वो कॉपी करके पेस्ट करने से आसानी से हो जाएगा। तो ये वाला लेके मैं इधर पे जो लगता है योर नेम, योर टू डेट, नंबर ऑफ पर्सन, योर व्हाट्सएप नंबर, योर ईमेल आईडी, योर मैसेज, तो पहले डालेंगे ये वाला। फिर इधर पे डालेंगे योर नेम, इसको करेंगे रिक्वायर्ड मतलब कि मैंडेटरी, अगर सामने वाला इसको फिलअप नहीं करता है तो वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो इसको रखेंगे इधर पे शॉर्ट आंसर। इधर पे क्लिक करके नेक्स्ट वाला ओपन करेंगे, इधर पे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर पे डालना होगा डेट ऑफ जर्नी या टूर डेट। ऑटोमेटिकली इधर पे आ गया डेट, आ जाएगा, गूगल स्मार्ट है तो ऑटोमेटिकली ये ले लिया। तो इसको भी हम करेंगे रिक्वेस्ट, फिर आएगा नंबर ऑफ पर्सन। नेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसको हम फिर इधर में डालना होगा और पर्सन नंबर नंबर पर्सन।
फिर डालना होगा व्हाट्सएप नंबर। पहले रखेंगे 3 को, मतलब फास्ट अगर कोई ओपन करता है तो पहले बार दिखाएंगे ये 3, योर नेम, टू डेट, नंबर ऑफ पर्सन। फिर इसको ले जाएंगे नेक्स्ट पेज। तीन चीज आ गया, योर नेम, योर टू डेट, नंबर ऑफ पर्सन। फिर आएगा इधर पे डालेंगे व्हाट्सएप नंबर। फिर डालेंगे ईमेल आईडी। सिंपल इस तरह से डालेंगे तो आसानी से बन जाएगा। योर मैसेज मतलब ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन वाला होगा पैराग्राफ, तो ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये पैराग्राफ मतलब लॉन्ग डिटेल में लिखेगा, तो इधर पे पैराग्राफ करना होगा, इसको रिक्वायर करने की जरूरत नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन यू एक्चुअली। ये देखो ये इसका URL है, ये वाला फॉर्म का। मान लो ये वाला फॉर्म का URL वेबसाइट में कोई बटन में, जैसे बुक नाउ, क्विक इंक्वायरी, मेक योर टूर पैकेज, ये सब में ये बटन में URL लगाते हैं तो उसको डायरेक्ट ये वाला फॉर्म उसको दिखेगा। तो ये इधर पे फॉर्म फिलअप करके नेक्स्ट में जाएंगे। जैसे मान लीजिए इधर पे मैं आपको फिलअप करके दिखाता हूँ, इधर पे फिल अप कर देंगे नाम, नेम, नंबर ऑफ पर्सन 2। ये भी देखना जरूरी है। मान लीजिए कोई फॉर्म आप बना लेते हैं, एक्चुअल में वो लीड जनरेट हो रहा है कि नहीं, वो कहाँ पे आ रहा है, वो भी देखना जरूरी होता है, इसलिए एक टेस्टिंग करके हम लोग देख लेते हैं। इधर पे कुछ मोबाइल नंबर डाल देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इधर पे ईमेल आईडी डाल देते हैं, सबमिट। ये इधर पे आ गया एलीट। रिस्पॉन्स देख, योर नेम गुप्ता, मार्च 5 तारीख को, नंबर पर्सन 2, मोबाइल नंबर ये वाला, जीमेल ये पूरा डिटेल आपके पास आ जाएंगे। या तो आप इधर पे क्लिक करके एक्सेल फाइल में ओपन हो जाएगा, उसमें भी आप डिटेल में देख पाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे ये वाला जो है, इसको हम लोग वेबसाइट में किस तरह से डालते हैं।
मतलब ये जो आप HTML कोड देख रहे हैं, ये कोड को सिंपली लेके आपका वर्डप्रेस वाला जिधर पे टेक्स्ट लिखा हुआ होते हैं टेक्स्ट, उसमें जाके क्लिक करके बैकएंड में अगर ये आप कोड डाल देते हैं तो ये वाला फॉर्म उधर पे दिखने लगेगा। तो इधर एक टेस्ट करके हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कोई ब्लॉगर्स में जाते हैं, अगर इसको हम प्रीव्यू करते हैं एक बार दिखा देते हैं, देखिए दोस्तों इसका नीचे देखिए वो कॉन्टैक्ट फॉर्म अभी आया नहीं, इसके नीचे अगर हम कोड पेस्ट करेंगे तो नीचे आ जाएगा। देखिए हम डालेंगे HTML में, नीचे कोड एंड हो रहा है, इसको हम स्पेस देख के वाला जो कोड लिए थे तो इसको हम करते हैं डाल के इसको हम प्रीव्यू करते हैं। देखिए नीचे वो वाला फॉर्म पूरा का पूरा नीचे आ गया। जिस तरह से आप चाह रहे थे वो फॉर्म इसका नीचे, इसका साइज तो देख पा रहे हैं, हाइट या विड्थ इसको अगर कम ज़्यादा करना है तो इधर से जाके ये वाला विड्थ को इसको कम या ज़्यादा, हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको ये जो लिंक है ये लिंक को आपको लेके मान लीजिए वेबसाइट इधर पे अगर क्विक इंक्वायरी में इसका साथ हम लगा देते हैं, जैसे इधर पे जाके इसका ऊपर क्लिक करके इधर पे यूआरएल करके अगर वो यूआरएल डाल देते हैं तो ये बटन में अगर कोई क्लिक करेगा तब भी वो वाला वो ये वाला वेबसाइट में जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग गूगल फॉर्म से एक आसानी सिंपल ड्रॉप एंड ड्रैग करके अच्छा सा फॉर्म बना सकते हैं, कस्टमाइज फॉर्म जिसमें प्रॉपर लीड जनरेट